क्या आपने जीते जी किसी ने अपनी मौत देखी है? इसका जवाब होगा नहीं, लेकिन एक वैज्ञानिक ने इसे काफी हद तक संभव कर दिखाया है। मनचाही मौत की इस प्रक्रिया को यूथनेशिया भी कहा जाता है। इसी के कॉन्सेप्ट को लेकर ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर फिलिप निश्के चर्चा में हैं। डॉक्टर फिलिप ने कुछ साल पहले एम्स्टर्डम के फ्यूनरल फेयर में एक डेथ मशीन का डेब्यू किया था, लेकिन अब इस मशीन में खास फीचर भी जुड़ गया है। यह मशीन पहले सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो मरना चाहते थे, लेकिन इस वर्चुअल तकनीक से लोग अब अपनी मौत को देख सकेंगे। दरअसल वर्चुअल रियलिटी के जरिए मरने से पहले ही खुद अपनी मौत को इस मशीन के सहारे देखा जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी कंप्यूटर तकनीक है जिसके सहारे एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को गढ़ा जाता है। इस तकनीक में शरीर के अहम सेंसेस को प्रभावित कर एक बेहद रियल एनवायरनमेंट को तैयार करने की कोशिश की जाती है। 90 के दशक में इस डॉक्टर ने अपने 4 ऐसे मरीजों को इंजेक्शन दिया था जिनकी बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती थी। ये लोग जिंदगी से संघर्ष कर थक चुके थे और इनके बचने की उम्मीद थी ही नहीं। डॉक्टर फिलिप ने कानून के मुताबिक इन 4 मरीजों को मौत दी थी। इसके बाद से ही उनके दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने डेथ मशीन बना दिया। ये शरीर के ही सेंसर के जरिए अपने दिमाग को पढ़कर कैसी मौत होगी कुछ हद तक दिखा सकती है। दूसरी अनोखी खबर है बरेली से। बड़े बड़े नेता अभिनेता हेलीकॉप्टर से सफर करके जब कहीं पहुंचते हैं तो उन्हें देखने के लिए भीड़ उमड़ती ही होगी, लेकिन यूपी के बरेली में महिला ग्राम प्रधान हेलीकॉप्टर से ससुराल पहुंची तो किसी बड़े नेता या अभिनेता की तरह उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ आई। हेलीपैड के आसपास पुलिस के जवान भी मुस्तैद दिखाई दिए। बरेली के आंवला कस्बे में महिला प्रधान हेलीकॉप्टर से अपने ससुराल पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोगों में नई नवेली दुल्हन से मिलने की उत्सुकता इसलिए भी थी क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार गांव में आई थी। कोर्ट मैरिज के बाद सुनीता वर्मा ने ससुराल से चुनाव लड़ा और अच्छे मतों से जीत भी दर्ज की। एक साथ दो दो जश्न की गांव में खूब चर्चा है। सुनीता वर्मा सिर्फ पर्चा भरने आई थी, बाकी प्रचार उनके ससुराल पक्ष के लोगों ने ही किया और वो चुनाव जीत भी गई। यूपी में अपराधियों में एनकाउंटर का खौफ साफ नजर आ रहा है। शामली में पुलिस जिन अपराधियों की तलाश में जुटी थी वो अचानक कैराना कोतवाली पहुंचे और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगे। गैंगस्टर एक्ट में वांटेड तीनों अपराधी पुलिस से ये कहने लगे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, अब वो भविष्य में किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेंगे। पुलिस के सामने सरेंडर करने पहुंचे इन बदमाशों ने कहा कि आगे से कोई गलत काम वो करेंगे ही नहीं, क्राइम से वो तौबा करते हैं। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि फरवरी महीने में विधायक नाहिद हसन और उनकी मां पूर्व सांसद तबस्सुम हसन समेत 40 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में तीनों वांटेड आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही थी। कोतवाली प्रभारी प्रेमवीर सिंह राणा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ बलवा हत्या की कोशिश समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। अब तीनों आरोपी गिड़गिड़ाते हुए कोतवाली पहुंचकर सरेंडर कर चुके हैं। न्यूज़ टेक ब्यूरो।